खबर यूपी के चंदौली जनपद से, जहां जनपद चंदौली अपराधियों को खूब रास आ रहा है, जिसके कारण अपराधी अपराध पर अपराध करते नजर आ रहे हैं और पुलिस सिर्फ लकीर पीटती नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला बबरी थाना अंतर्गत पांडेपुर बाजार का है, जहां रामचंद्र प्रसाद के कपड़े की दुकान से हौसला बुलंद चोरों ने लगभग 1,50,000 रुपए ताला तोड़कर उड़ा दिए। जानकारी के अनुसार पचोखर गांव निवासी रामचंद्र प्रसाद का पांडेपुर में कपड़े की दुकान है। वह रोज की भांति शाम 7 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। जब तक वह तड़के सुबह दुकान की तरफ आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो बहुत चक्का रह गया। दुकानदार ने जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो काउंटर भी खुला हुआ था और काउंटर में रखे सारे पैसे चोरी हो गए थे। वहीं दुकानदार ने तुरंत चोरी की सूचना डायल 112 को बबरी थाने को दिया। चोरी की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने पीड़ित दुकानदार को थाना पर आने की बात कहकर चल दिए। सोचने वाली बात यह है कि पांडेपुर बाजार में पुलिस की पिकेट ड्यूटी लगाई जाती है, तो फिर चोरी कैसे हो गई? नाम है रामचंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? पचोखर ग्राम पटाना। ये आपके कपड़े की दुकान में चोरी हुई है? क्या चोरी हुई है और कितने की चोरी हुई है? चोरी हुई है सर, हम रखे थे कल पैसा देना था गिट्टी वाले को 85,000 लगभग जी, वो रखे थे कैश और करीब दुकानदारी का था 16-17 हज़ार और उसके बाद नीचे था सिक्का मिला के 16-17 हज़ार और नोट लगभग 17-18 हज़ार लोग नोट भी थे। कितना रकम हुआ लगभग आपका? लगभग 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख, 1,55,000 के लगभग था। आपको कैसे सूचना मिली सुबह? सुबह हम जब आए भोर में 4:40 जब देखे दुकान तो ताला तोड़ा था नीचे वाली परचून का जी। तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन को 100 नंबर दिया गया, आया प्रशासन, फिर उसके बाद लिखा पड़ी हुआ, फिर गए थाने पर बुलाए हैं। क्या आश्वासन मिला प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा बुलाया गया कि आप आइए थाने पर, चोरों को पता किया जाएगा भाई। और क्या आश्वासन?